होगी। कल मम्मी ने इतना डांटा हमें, गढ़वाल बटी हम कुछ गढ़वाली सीख के आया छो, पड़ोस में आ गए और आज उनके घर का गया प्रवेश। आजा वैदिक जल्दी आ। अभी फिलहाल दोस्तों हम जा रहे हैं सैली को लेके डॉक्टर के पास में, क्योंकि अभी हम गांव से आए थे तो सैली की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, मतलब तब से कंटिन्यू उसको जो है फीवर आ रहा है, फीवर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो हमने सोचा है कि एक बार जो है डॉक्टर को दिखा लेते हैं। सैली हो सकता है कि गांव में कभी कभी ठंड थी, कभी कभी गर्मी थी, फिर गाड़ी में बैठ रहे थे, बार बार ट्रैवलिंग कर रहे थे, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को तोड़ हो जाता है बार बार आना जाना, उठना बैठना, बार बार गाड़ी में कंटिन्यू ट्रैवलिंग करना। सही बात है, तो उससे तो तीन दिन से फीवर आ रहा है ऐसे, मतलब कल की रात पूरी ऐसे चली गई, परसों की रात पूरी ऐसे चली गई, तो फिर अब हमें लग रहा है कि इसको दिखवाना ही पड़ेगा। बस अभी चलते हैं सैली को लेके। चलो जल्दी से, चलो भाई आ जाओ। और ना सैली कल से एक भी स्माइल नहीं दी थी, इसलिए डॉक्टर के पास पहुंचते देखो उसकी, डॉक्टर के पास पहुंचते एक्टिव हो चुके हैं, एक्टिव होगी। इतना हिल भी नहीं रही थी कल से, ऐसे पड़ी थी बिस्तर में। मम्मी ने बहुत डांट रही, सुबह से जा रही क्लियर से। चलो आ जाओ भाई। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं हमें डॉक्टर पे, जो कि हमारे घर के सामने ही है। तो दोस्तों ये जो आम है, जैसे कि हमने बताया लास्ट व्लॉग में कि हम लेके आए कोटद्वार से, मतलब मेरी बहन के यहाँ से, तो बस अब इनका अचार बनाने जा रहे हैं। और पहली बार, मतलब मैं आम का अचार बना रही, पहली बार। और मम्मी आपने पहले बार बनाया था। अच्छा, तो वही मिलजुल कर बना रहे हैं, मिलजुल कर सब बना रहे हैं, कैसे बनाना है जो भी है देखा जाएगा। तो बनाने के बाद बताएंगे कैसा लग रहा है खाने में। सही बात है। और अभी वैदिक मेरी गोद में है और वैदिक कर रहा है सोने की जिद, क्योंकि उसको सोना है, सुनदारी बहुत ज्यादा, तो इस वजह से तो वैदिक को सुलाते हैं। अभी यहाँ पर बन रहा है अचार, अब तो काट रहे हैं, अभी दो तीन दिन लगेंगे इस प्रोसेस में। दो तीन दिन लगेंगे बनाने में, सुखाना पड़ता है इसको। वो वैदिक को बोल रही हूँ, वैदिक ये देखो, वैदिक मामा आए और वैदिक ने पहले ये छानबीन शुरू कर दी है। ये क्या निकाला रहे तूने? चलो कौन है, कौन है बेटा? चकलू। अब से हम कल सैली को डॉक्टर के पास ले गए थे, मैं कह रही कल डॉक्टर के पास ले गए तो ठीक होगी। कल मम्मी ने इतना डांटा हमें, मम्मी ने तो मेरे से गुस्सा भी हो गया। मम्मी तुम अभी भी नहीं जाते, इसको नहीं ले जा रहे थे डॉक्टर में, मैं मिल गई, मैं गुस्सा भी। अच्छा, अब आज तेरे कैसे हंसी आ रही हो? हाँ, वो जुकाम था ना, वो जुकाम बुखार रही थी। हाँ। बाबा। मम्मी हम दोनों तुम अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है, ये वो तो आप थोड़ा ठीक हो गए सर। गांव से सामान, अच्छा अब वो सामान लेना भूल गए थे, वो सीताफल हो गया था ना। हम जब कल गांव से आए थे तो हाँ वो सीधा घर ही चला गया था बेटा। दादी की वो काशी नहीं है ना, काशी गाँव के प्याज और लहसुन मम्मी प्याज के बीच में अखरोट भी है कुछ। अरे वाह, अखरोट किसमें? अच्छा, ते मेरी बुआ है जो उनके घर में लगते हैं अखरोट, वहाँ से आए अखरोट और प्याज। सीताफल अच्छा है, बड़ा वाला नहीं था, इतना ही बहुत है भाई, ये यही खाने में दो तीन दिन लग जाएंगे। ये सोती हुई शक्ल अरे दो गांव की नींद नहीं जा रही है बिल्कुल भी। सही में दो दिन हो गए, लेकिन ना दो दिन हो गए, थकावट गई नहीं है। अखरोट चलो। तो दोस्तों हमारे पड़ोस में नए क्या बहुत पुराने से जान पहचान है मम्मी पापा लोगों की, लेकिन हमारी तो मतलब अभी हुई है, अभी अभी हुई है, तो पड़ोस में आ गए और आज उनके घर का गया प्रवेश। हमारी जान पहचान थी आपके सासू के साथ 30 साल पहले से। मम्मी है? हाँ। अच्छा 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 बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चलो आसपास के लोग हमारे जो है, एक मतलब गढ़वाली लोग आ रहे हैं ना, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। बस अभी रात के खाने की तैयारी चल रही है और आज रात के खाने में बन रहा है स्पेशल, कुछ स्पेशल ये बन रहा है कि अभी बन रही है पूरी और साथ में सब्जी बन रही है। तो बस अभी वो जो गांव की थकान है ना, वो गई नहीं है हमारी, क्योंकि गांव में तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट सो रहे थे और सुबह जल्दी उठ जा रहे थे, सुबह उठ नहीं रहे थे, सुबह अपना भी नींद खुल जा रही थी गाँव में। हाँ, फिर पूरे दिन घूम
हाँ पूरे दिन घूम भी रहे थे, फिर मतलब वहाँ पे हम ट्रैवलिंग ही करे जा रहे थे कभी कहीं कभी कहीं, तो उसकी थकान भी है काफी ज्यादा। मतलब गढ़वाल से गढ़वाल पट्टी हम कुछ गढ़वाली सीख के आया छो, वो अब हम अपना ब्लॉग का डेली बोल ला सीख के आयो छो, लेकिन बोल नहीं आंदी, लेकिन हाँ सीख के आयो छो। तो बस अभी दिखाते हैं क्या बन रहा है। फिलहाल ये बन रहा है आज, ये खाने में थकान मिट जाएगी। ये खा के क्या कह रहे हैं, ये खा के थकान मिट जाएगी। तो बड़ा मजा आने वाला है भाई अभी ये। और पूरी भी सब्जी क्या है, आलू की ये भी सीखा है गांव से। गांव में दो तीन दिन रोटी नहीं बनेगा, भूल गई, चकला चलाना, बेलन चलाना। तो सब्जी बनी आलू फ्राई, अच्छा आलू जीरा, अच्छा वो आलू के जो गुटके होते हैं वो, हाँ उस टाइप के कुछ। मतलब गढ़वाल भाई यूं तो बोलते हैं आलू गुटका और देसी मां आलू जीरा। जब हम कहीं से आते हैं ना घूम के, मतलब कहीं से भी हम जब ट्रैवल करके आते हैं, ट्रिप करके आते हैं, तो लगता है कि फिर दोबारा हम घूमने जाएं वापस, ऐसा लगता है ना फिर। खासकर में तब जब वो ट्रिप हमारा अच्छा रहा हो, तो जैसे कि लास्ट टाइम हम जयपुर गए थे, वहाँ से जब आए थे हम सबने कान पकड़ लिया था हम कहीं नहीं जाएंगे घूमने बच्चों को लेकर। कभी ऐसा होता है ट्रैवलिंग पे, वहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो मम्मी को छुट्टी हो गई थी, तो वहाँ से करें बहुत ज्यादा। हाँ सैली को गोदी में लेके पूरा दिन घूमना पड़ा, फिर गर्मी भी लग रही थी, मतलब सही सही लगा, फिर दिल्ली जैसे लग रहा था, जयपुर लग ही नहीं रहा था कि कुछ अलग प्लेस में आए, क्योंकि वो भी सिटी एक तरीके से मेट्रो सिटी है, दिल्ली भी है, तो मतलब वो सेम फीलिंग्स आती है। तो वो कहीं होता है कि थोड़ा स्टेशन पे जाए, हिल स्टेशन जाए, थोड़ा सा अलग जैसे कि इस बार गांव गए थे तो कुछ डिफरेंट हुआ कि डिफरेंट लगा सब कुछ, तो ऐसे ही मतलब कुछ अलग जगह जाने का मन कर रहा है। स्विट्जरलैंड चले, बिल्कुल सही बात है, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड जाएंगे तो घर बेचना पड़ेगा हमें, जो बना भी नहीं है उसको बेचना पड़ेगा स्विट्जरलैंड जाने के लिए। तो खाना आ गया यहाँ पे भाई, गरम गरम पूरी, गर्मा गर्म पूरी, उसका वेट था अभी यहाँ पे। और शैली देखो वहाँ पे छोले के साथ में नाम है पूरी, हाँ छोले लिया है भाई, हाँ मेरा तो आ गया भाई, आज आज रायता बहुत ज्यादा है क्योंकि आज चार लोगों में बट रहा है ना ये, वैसे छह लोगों में बटता है। हाँ सही बोल रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा रायता आज। तो दगड़ियों नमस्कार, मैं आज ये बात पंचाने छो बात बेंच कि जब भी हमारे ऊपर लेंटर पहले तब भी बरखा हुआ, दूसरे पर तब भी बरखा, जब तीसरे पर तब भी बरखा, और जब पर्स ब्याह पर तब भी बरखा। ये भोलेनाथ की बहुत मेहरबानी है, बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, और जो हमारे वहाँ से ठेकेदार वो भी मन से बरखा बरखा बरखा, जब भी हम डाले लेंटर बरखे बरखा, और मौसम इतना बड़े नीच आज, तो आज बने हमारे पूरी और आलू की सब्जी बहुत बढ़िया, और मौसम में नहीं ठंडू, ये मौसम बढ़िया आनंद है यार। हाँ दोस्तों ये तो है कि जब भी हमारा लेंटर पड़ा है तो बारिश हुई है, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि बिन मौसम की बरसात हो रही है, मतलब इस टाइम पे मई का महीना चल रहा है, जून आने वाला है, तो ये तो है कि जब भी लेंटर डला तो बारिश हो रही है, तो अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छी बात है कि हाँ हमारा लेंटर पक्का हो जाता है, इसका मतलब ये है। और वैसे भी कहते हैं जब भी कोई शुभ कार्य होता है ना तो उस टाइम बारिश आती है, जैसे कि किसी की शादी में बारिश आई, हल्की फुल्की, ये नहीं कि बिल्कुल उजाड़ी हो गया, हल्की सी बारिश आई किसी की शादी में तो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। बस ये है कि जब हम गृह प्रवेश कराए तो भी थोड़ी बहुत बारिश आ जाए, वो भी अच्छा हो जाएगा।